Hello, student. Good morning to all of you. Once again, welcome to class 11 accountancy. But our chapter is going on GST, and in this chapter, already we have completed some numerical question and we have learned how to pass the journal entry. And in this lecture, we will solve numerical number third. So, let us start our question. Pass entries in the books of Ganguly and Sons, assuming all transactions have been entered in the state of West Bengal. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज टू लैक एंड पेमेंट मेड बाई चेक सोल्ड गुड्स फॉर वन सिक्सटी टू देवकीनंदन एंड सन्स परचेज गुड्स फॉर फिफ्टी थाउजेंड ऑन क्रेडिट पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिसिट फॉर कमीशन फाइव थाउजेंड एंड आउटपुट जी एस टी अगेंस्ट इनपुट जी एस टी हमें अर्जस्ट करना है अज्यूमिंग सी जी एस टी सिक्स परसेंट एंड एस जी एस टी सिक्स परसेंट स्टार्ट अवर नुमेरिकल क्वेश्चन बेटा पहला ट्रांजेक्शन जो है हमारा आप लोग क्या करोगे फॉर्मेट ड्रॉ करके ही जनरल इंट्री पास करोगे ठीक है फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हमारे पास परचेज गुड्स फॉर रुपीज टू लैक एंड पेमेंट मेड बाई चेक सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेट परचेज अकाउंट डेबिटेट ठीक है एंड देन इनपुट सी जी एस टी ये विद इन अ स्टेट है अगर ये आउटसाइड ऑफ स्टेट होता तो यहाँ पर सी जी एस टी की और एस जी एस टी की बजाय आई जी एस टी लगता इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिटेड इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिटेड टू चेक से पेमेंट है तो टू क्या हो जाएगा बेटा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर आएगी आपकी टू लाख रुपीज टू लाख का सिक्स परसेंट अगर आप कैलकुलेट करते हो ट्वेल्थ थाउजेंड सी जी एस टी में ट्वेल्व थाउजेंड एस जीएसटी में और टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड आपका टोटल जाएगा बैंक में ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ठीक है बेटा नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर वन सिक्सटी टू देवकीनंदन एंड सन्स तो आपको जो सेकेंड ट्रांजेक्शन में आप एंट्री क्या पास करोगे देवकी नंदन देवकी नंदन नंदन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और बेटा परचेज में इनपुट लगी थी तो सेल्स में कौन सा जीएसटी चार्ज होगी आउटपुट सॉरी कलेक्ट होगी आउटपुट जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा आउटपुट होता है और जो हम पेमेंट करते हैं जीएसटी का वो हमारी इनपुट होती है तो आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट एंड टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट बेटा जो सेल्स से है वो हमारी कॉस्ट कितनी है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड का अगर आप सिक्स परसेंट चार्ज करेंगे तो वो होगा आपका नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और जो टोटल जाएगा वो आपका डेबिट में जो टोटल जाएगा वो आपका होगा नाइनटीन देन वन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड वन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड टोटल एक बार ठीक से आप लोग चेक कर लेना ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर फिफ्टी थाउजेंड ऑन क्रेडिट परचेज गुड्स फॉर फिफ्टी थाउजेंड ऑन क्रेडिट तो इसकी एंट्री देखो क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड सिंपल सा अगेन वही रिपीट होगा हर बार परचेज अकाउंट डेबिटेड इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिटेड कोई फर्क नहीं पड़ता एस जी एस टी या सी जी एस टी को पहले या बाद में लिख लो इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिटेड लेकिन बेटर रखना अगर एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना टू क्रेडिटर्स है क्रेडिट सेल है क्रेडिट परचेज है टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स का नेम गिवन नहीं है तो हमने क्या लिख दिया टू क्रेडिटर्स फिफ्टी थाउजेंड की यहाँ पर हमारे पास क्या है परचेज है फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट अगर आप चार्ज करेंगी तो बेटा कितना आएगा थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड और टोटल आपकी जो परचेज हो जाएगी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड की क्रेडिट में फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से आपको लिखना होगा याद रखना नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ की तो बेटा फोर्थ क्या है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फोर थाउजेंड पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फोर थाउजेंड सॉरी फाइव थाउजेंड नहीं नहीं फोर थाउजेंड ठीक पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फोर थाउजेंड तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा क्या है एक्सपेंसेस है तो प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बहुत बुरी हैंड राइटिंग आती है बेटा थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत होता है इस मोबाइल पे है ना वापस लिख लेते हैं कोई बात नहीं प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड ठीक है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड अब क्या होगा अगर हम पेमेंट कर रहे हैं जीएसटी का तो हमारी जीएसटी क्या होगी हमेशा इनपुट होगी देन टू इनपुट सॉरी टू नहीं इनपुट सी जी एस टी सी जी एस टी अकाउंट डेबिटेड ठीक है इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिटेड टू चेक से पेमेंट किया है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है देन क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट अब देखो यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेशनरी की वैल्यू कितनी है हमारी फाइव थाउजेंड ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे फाइव थाउजेंड फिर नेक्स्ट हमारा क्या वैल्यू है इसकी इनपुट फाइव थाउजेंड का सिक्स परसेंट अगर आप चार्ज करते हो तो बेटा कितना होगा ये फाइव थाउजेंड का सिक्स परसेंट थ्री हंड्रेड है ना सॉरी बेटा गलत मैंने लिख दिया यहाँ पर ये फोर थाउजेंड है ये फाइव थाउजेंड नहीं है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जो वैल्यू है वो है आपकी फोर थाउजेंड तो यहाँ पर आप लिखेंगे फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड का सिक्स परसेंट टू फोर्टी अगेन टू फोर्टी और टोटल होगी जो आपकी ठीक है तो यहाँ पर होगी फोर थाउजेंड सिक्स एटी कैश में आएगा आपका ये आपका एक ट्रांजेक्शन्स हो गया नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं लिखा हुआ रिसिव्ड फॉर कमीशन फाइव थाउजेंड तो बेटा एंट्री आपकी जो पास होगी वो एंट्री होगी आपकी कमीशन रिसिव्ड हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा चेक तो गिवन नहीं हमारे क्वेश्चन में तो हमें हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड ठीक है टू कमीशन अकाउंट टू कमीशन और अगर हमें कुछ रिसीव्ड हो रहा है इसका मतलब हमने जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है तो कौन सी जीएसटी होगी वो आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट एंड टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट इतनी बुरी हैंडराइटिंग रियल में नहीं है जितनी इस फोन में आ रही है कमीशन की जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी है फाइव थाउजेंड बेटा फाइव थाउजेंड का अगर आप सिक्स परसेंट चार्ज करोगे तो कितना होगा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड टोटल आपको कितना कमीशन मिला है ये आपका कमीशन हो गया अब हम लास्ट अगर ट्रांजेक्शन की लाइन पढ़ते तो वॉट इज गिविन यउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी तो अब हमें एडजस्टमेंट इंटरव्यू पास करनी है तो पहले हम एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन को देख लेते हैं उसके बाद हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री अगर हम पास करते हैं तो पहले हम लिखेंगे यहां पर टोटल ऑफ जीएसटी तो लिखेंगे टोटल सी जी एस टी ये कौन सा है इनपुट की अगर हम बात कर रहे हैं इसको यहां पर लिख देते हैं टोटल इनपुट ठीक है इनपुट में किसकी बात कर रहे हैं अगर हम तो यहाँ पर इनपुट में हम बात करते हैं सी जी एस टी की और एस जी एस टी की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार फिर यहाँ पर टोटल किसका निकालते हैं आउटपुट का आउटपुट में भी क्या निकालेंगे सी जी एस टी सी जी एस टी एंड देन एस जी एस टी तो एक बार इसका टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं देखिए टोटल हमारा अब टोटल कैसे निकालोगे तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को देख लो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था बेटा यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे देखो कितनी हमने जीएसटी पे करी है ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड तो हम यहाँ लिख देते हैं अपनी टोटल में ठीक है ट्वेल्व थाउजेंड ये हमारी इनपुट थी या आउटपुट ये हमारी इनपुट थी तो कितना हुआ ट्वेल्व थाउजेंड कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है प्लस ट्वेल्व थाउजेंड हम इसमें भी लिख देते हैं ट्वेल्व थाउजेंड ये प्लस का साइन है बेटा ठीक है अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन में कितनी है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है आउटपुट है ये तो किस में लिखेंगे आप आउटपुट में नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड 9600 फिर अगेन आप प्लस करोगे तो फिर देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको जो second tha, second आपका जो सेकंड था सेकंड हो गया आपका थर्ड में क्या है इनपुट है 3000 तो एक बार हम इनपुट सारा देख लेते हैं इनपुट 3000 है फिर अगेन 240 है फिर उसके बाद हमारा कुछ नहीं है तो 3000 थाउजेंड प्लस टू फोर्टी ये हो गया ट्वेल्व प्लस थ्री एंड प्लस टू फोर्टी यहाँ पर भी प्लस थ्री थाउजेंड प्लस टू फोर्टी और लास्ट में हमारा आउटपुट एक और था तो क्या है आउटपुट में थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड तो प्लस थ्री हंड्रेड देखो यहाँ पर थ्री हंड्रेड एंड प्लस थ्री हंड्रेड देखो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है सी जी एस टी का टोटल सी जी एस टी इनपुट ठीक है 15, जो आपका टोटल आएगा फिफ्टीन टू फोर्टी तो देखो यहाँ पर ट्वेल्व प्लस थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हो गया तो फिफ्टीन थाउजेंड टू फोर्टी सेम टोटल इसका भी आएगा बेटा दोनों के अमाउंट सेम है तो यहाँ पर लिख स्पेस नहीं है तो सेम टोटल दोनों का आएगा ठीक यहाँ पर कितना आ रहा है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है 9900 आउटपुट का आ रहा है और इनपुट का कितना आ रहा है 15240 अब देखो इनपुट ज़्यादा है या आउटपुट ज़्यादा है अभी तक जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आउटपुट ज़्यादा था अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो आउटपुट में से इनपुट को रिकवर करके बाकी अमाउंट आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करनी होगी यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है बेटा ठीक है और आउटपुट आपका कम है ठीक है इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट आपका कम है तो आप क्या करोगे इसको आप अपना रिकवर कर लोगे जितना भी आपके पास इनपुट होगा उसमें से आप क्या करोगे आउटपुट में से जितना भी आउटपुट आउटपुट आपने कलेक्ट किया है उसमें से आप इनपुट ले लोगे और अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो बाकी पैसा आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर दोगे लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है यहाँ पर आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है तो आप क्या करोगे जो बाकी का जो बैलेंस होगा इनपुट का वो आपकी एसिट्स है फिफ्टीन आपकी क्या है एसिट्स है आपने नाइन आपने रिकवर कर ली और जो रिकवर नहीं होगी वो बैलेंस शीट में हम एसेट्स में मेंशन करेंगे और वो फिर आप क्या कहां पर दिखाओगे नेक्स्ट ईयर में आप रिकवर कर लोगे तो एक बार बेटा इसकी एंट्री आप देख लो एंट्री क्या पास होगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये अमाउंट हमने लिखी हुई है हम जो जनरल एंट्री पास करेंगे जो लास्ट की एडजस्टमेंट की वो होगी एंट्री हमारी आउटपुट आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिटेड आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सी जी एस टी एंड टू इनपुट एस जी एस टी ठीक है टू इनपुट एस जी एस टी देखो आउटपुट सी कितना है बेटा आपका आपको जितना आउटपुट है एक बार आपको सिर्फ उतना ही कवर कर लेना है तो आपका आउटपुट है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का सी भी और एस भी तो आप क्या रिकवर कर लोगे इतना ही रिकवर करोगे अपना नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ज्यादा तो है नहीं आपके पास आउटपुट आप क्या करते हो आउटपुट में से इनपुट को रिकवर कर लोगे और अगर अगर आउटपुट का बैलेंस ज़्यादा होता तो आप बैंक यहाँ टू बैंक करके डिपॉजिट कर देते लेकिन यहाँ पर प्लस कौन सा है आपका इनपुट ज़्यादा है तो अब आप इस केस में क्या करोगे जितना आपके पास आउटपुट है उतना आपने रिकवर कर लिया और बाकी की अमाउंट जो भी बैलेंस किसका बचेगा इनपुट का वो आप नेक्स्ट ईयर में किससे रिकवर कर लोगे नेक्स्ट बैलेंस शीट में आप मेंशन करोगे और नेक्स्ट ईयर में आप रिकवर कर लोगे तो अगर अमाउंट की कैलकुलेशन अगर आपको देखनी है तो देखो यहाँ पर किस तरीके से निकलेंगे यहाँ पर आप लिखोगे फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड टू फोर्टी आपका सी जी एस टी है इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो स्पेस हो जाएगा जैसे कि एक बार इसको इरेज कर लेते हैं है ना ठीक है तो अब देखो यहाँ पर एस सी जी एस टी आपके पास कितना है यहाँ पर सी जी एस टी में जो अमाउंट है वो है आपके पास में फिफ्टीन थाउजेंड 240, फोर्टी फिफ्टीन थाउजेंड टू फोर्टी माइनस नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो जो आपके पास बैलेंस बच रहा है कितना बच रहा है बेटा फाइव थाउजेंड थ्री फोर्टी का ये आपकी एसेट्स है लेकिन इस साल आप रिकवर नहीं करोगे तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उस टाइम पर आप कहाँ लिखोगे एसिड्स फाइव थ्री फोर्टी लिखोगे और जर्नल एंट्री में मैंने आपको समझा दिया है कि जर्नल एंट्री में आप सिर्फ जितना आपके पास आउटपुट है उतना ही आप जर्नल एंट्री रिकवर करोगे ठीक है अंडरस्टैंड और ये न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ है आप सॉल्व करना नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी अगर डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना ठीक है कुछ और ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि जितने भी आपके डाउट हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए